हेलो फ्रेंड्स, आप आईएएस डेली स्टैटिक एमसीक्यू डिस्कशन सीरीज में आपका स्वागत है। हम आज अपने डिस्कशन में पर्यावरण पारिस्थितिकी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उससे जुड़े हुए जानकारियों पर डिस्कशन करेंगे। चलिए हम आज का अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। हमारे डिस्कशन का पहला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी आक्रामक प्रजातियों की सामान्य विशेषताएं हैं। आक्रामक प्रजाति आप जानते हैं वैसी प्रजातियां होती हैं जो किसी विदेशी स्थल पर प्रवेश करती हैं और वहां की जैव विविधता को जोर शोर से नुकसान पहुंचाती हैं। तो यहां पर उनके जो विशेषताएं हैं उनको दिया गया है। आपको पहचानना है कि ये उनकी कौन सी विशेषताएं हैं जिसकी वजह से हम किसी प्रजाति को, चाहे वो जीव हो या फिर पौधे हो, उनको हम आक्रामक कहते हैं। पहला कहता है तेजी से प्रजनन और विकास। जी हाँ, बिल्कुल सही है। जो आक्रामक प्रजाति होती है, चाहे वो पौधा हो, पेड़ हो या फिर कोई जीव हो, जब किसी जैव विविधता वाले क्षेत्रों में प्रवेश करता है तो वहां तेजी से प्रजनन करता है, तेजी से विकास करता है और उस पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। अगला कहता है उच्च फैलाव की क्षमता। जी हाँ, बिल्कुल सही है कि जो आक्रामक प्रजातियां होती हैं उनके फैलाव की दर जो सामान्य स्थितियां होती हैं उनकी तुलना में ज्यादा होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि उच्च फैलाव की क्षमता होती है। फेनोटाइपिक प्लास्टिसिटी कहने का मतलब होता है कि ऐसी परिस्थिति जब कोई जीव उस पारिस्थितिकी तंत्र के अनुसार अपने शारीरिक परिवर्तन करता है तो उस स्थिति को फेनोटाइपिक प्लास्टिसिटी कहा जाता है। जो आक्रामक प्रजातियां होती हैं वो किसी विदेशी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं और अपने शारीरिक क्षेत्र को, यानी कि अपने शारीरिक विशेषता को ऐसे परिवर्तन करती हैं ताकि उस वातावरण में वो ढल जाएं और उसके बाद, उस वातावरण में ढल जाने के बाद वहां पर वो तेजी से विकास करने लगती हैं, वहां की जैव विविधता को नुकसान पहुंचाने लगती हैं। यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है। किसके बारे में? आक्रामक प्रजाति के बारे में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, आप इसे ध्यान रखेंगे। जो आक्रामक प्रजातियां होती हैं वो एक मेंढक भी हो सकता है, कोई ऐसा पौधा भी हो सकता है, एक मछली भी हो सकती है या फिर कोई दूसरे फूल इत्यादि भी हो सकते हैं, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। जो आक्रामक प्रजातियां होती हैं उनकी तीन विशेषताओं को हम लोगों ने देख लिया है, जो कि तेजी से प्रजनन और विकास की क्षमता, उच्च फैलाव की क्षमता, फेनोटाइपिक प्लास्टिसिटी की क्षमता। लेकिन एक और उसकी विशेषता होती है जिसे आपको जानना है, वो ये कि विभिन्न खाद्य प्रकारों और पर्यावरणीय परिस्थितियों की एक विस्तृत श्रृंखला में जीवित रहने की क्षमता रखते हैं। कहने का ये मतलब है कि जो आक्रामक प्रजातियां होती हैं फ्रेंड्स, वो जब कभी भी किसी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं, जहां पर वो स्वदेशी भी हो सकती हैं या फिर विदेशी भी हो सकती हैं, जब वो प्रवेश करेंगी उसके बाद क्या होगा कि वो वहां जो भी खाद्य पदार्थ है उस खाद्य पदार्थ पर ही अपने आप को निर्भर कर लेंगे। वो उस वातावरण को उसके बाद परिवर्तन करना शुरू करेंगे। तो ये आप याद रखेंगे चार विशेषताओं के बारे में। हमारे डिस्कशन का अगला प्रश्न क्या कहता है, पारिस्थितिक संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको पारिस्थितिक संतुलन के बारे में सही कथन की पहचान करनी है। पहला कथन कहता है पारिस्थितिक संतुलन तब हो सकता है जब जीवित जीवों की विविधता अपेक्षाकृत स्थिर रहती है। फ्रेंड्स, पारिस्थितिक संतुलन कहने का मतलब होता है कि जब कभी भी किसी क्षेत्र में जो निर्जन होता है उस क्षेत्र में धीरे धीरे जीवों की उपलब्धता शुरू होती है, उसके बाद उस क्षेत्र में जैव विविधता का स्तर बढ़ने लगता है, एक ऐसा स्तर आता है जब उस क्षेत्र में जीवों की संख्या, जो उत्पादक हैं वो और जो उपभोक्ता है वो, दोनों ही अपने चरम अवस्था में होते हैं। और जब ये अपने चरम अवस्था में होंगे तो उस स्थिति में जो जीवों की संख्या है, चाहे वो उत्पादक हो या फिर उपभोक्ता हो, यदि वो स्थिर है तभी वहां पर जैव विविधता और पारिस्थितिक संतुलन बना रहेगा। यानी कि पहला कथन बिल्कुल सही है जिसमें कहा गया है कि जो जीवित जीवों की विविधता है वो अपेक्षाकृत स्थिर रहती है, तो उस स्थिति में पारिस्थितिक संतुलन बना रहेगा। आगे क्या कहता है, एक पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता हमेशा नई प्रजातियों की शुरुआत के साथ बढ़ती है। गलत है, मैंने अभी आपको बताया कि किसी एक पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत
जहां पर स्थितियां अब संतुलित अवस्था में है, वहां पर उत्पादक और उपभोक्ता दोनों ही संतुलित अवस्था में है। अगर वहां पर कोई आक्रामक या फिर विदेशी प्रजाति प्रवेश कर जाता है तो उसके बाद वहां की स्थिरता अस्थिरता में बदल जाएगी, वहां का जैव विविधता असंतुलित हो जाएगा। दूसरा कथन क्या कह रहा था कि यहां किसी नई प्रजाति की शुरुआत के साथ वो बढ़ जाती है, कहां से बढ़ेगी, वो तो घटने लगेगी, वहां की जो पौधे हैं वो घटने लगेंगे, जो जीव हैं वो भी घटने लगेंगे, तो इसलिए वो अस्थिर हो जाएगा। दूसरा कथन गलत हो जाएगा, पहला कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। हमारे डिस्कशन का तीसरा प्रश्न क्या कहता है, फास्फोरस जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों और पानी की गुणवत्ता में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है, क्योंकि अब यहां पर दो कारण दिए गए हैं, आपको पहचाना है कि जो फास्फोरस होता है वो किसी जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में किस प्रकार से केंद्रीय भूमिका निभा रहा है। पहला कहता है फास्फोरस चक्र काफी हद तक वायुमंडलीय होता है, यानी कि गैसीय होता है, ऐसा बता रहा है। जी नहीं, गलत है, जो फास्फोरस चक्र होता है ना वो सेडिमेंटरी होता है, यानी कि अवसादी चक्र के अंतर्गत फास्फोरस को शामिल किया जाता है, क्योंकि फास्फोरस होता कहाँ है, ये प्राकृतिक रूप से चट्टानों में होते हैं, चट्टानों का प्राकृतिक कारण से, चाहे वो जैविक कारण हो या फिर भौतिक कारण हो, उसकी वजह से चट्टान टूटने फूटने लगता है, उसके बाद उसका अपक्षयन होगा, अपक्षयन के बाद उसका अपरदन होगा, और अपरदन के बाद वो पानी में घुलेगा, पानी में घुलने के बाद नालों के माध्यम से नदियों में, और नदियों के माध्यम से अंततः कहां चला जाएगा, समुद्र में। समुद्र में जब वो होंगे तो जो समुद्र में तैरने वाले पौधे होंगे, वो समुद्र में घुले हुए जो फास्फोरस होते हैं उनकी वजह से उनकी वृद्धि दर बढ़ जाएगी। तो जो फास्फोरस होता है वो मुख्य रूप से क्या करता है, जो जीव होते हैं चाहे वो पौधे हो या फिर दूसरे जीव हो, उनकी वृद्धि दर को बढ़ाता है। तो इसलिए ये जो पहला कथन बता रहा था कि फास्फोरस चक्र जो होता है वो क्या होता है, वायुमंडलीय होता है, गलत हो गया, और ये आसानी से पानी में आसानी से हवा से पानी में घुल जाता है। जी नहीं, सालों साल लग जाते हैं इनको घुलने के लिए, यानी कि फास्फोरस को हवा में या फिर पानी में घुलने के लिए सालों साल लग जाते हैं, तो ये बहुत मुश्किल होता है। पहला कथन गलत है। दूसरा कथन क्या कह रहा था, फास्फोरस जल निकायों में जड़ों और मुक्त तैरने वाले सूक्ष्म पौधों की अत्यधिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। मैंने अभी आपको यही बताया कि जब वो समुद्र में पहुंच गए, पहुंचने के बाद उसका उपयोग जो जल में तैरने वाले जीव होंगे या फिर जो जल में तैरने वाले पौधे होंगे उनके द्वारा किया जाएगा, और फास्फोरस मुख्य रूप से जीवों का और पौधों के वृद्धि को तीव्र कर देता है। तो इसलिए दूसरा कथन बिल्कुल सही है, सही ही पूछा गया था, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। हमारे डिस्कशन का अगला प्रश्न क्या कहता है, एक अन्य बात इसी से संबंधित जुड़ा हुआ है, आप ध्यान रखें। जो फास्फोरस होता है फ्रेंड्स, मैंने बताया कि ये मुख्य रूप से जो पौधे होते हैं उनके वृद्धि दर को बढ़ा देते हैं। अगर कोई जलीय निकाय है, मान लेते हैं तालाब, इस तालाब में फास्फोरस आ जाए, यहां पर ज्यादा हो जाए फास्फोरस, यहां की पानी में फास्फोरस घुल जाए, अब यहां पर कोई एक पौधा आ जाए, अब ये पौधा को मिल गया फास्फोरस, इनकी वृद्धि दर क्या हो गई, बढ़ गई। एक समय ऐसा आएगा जब इस तालाब के ऊपर हरे हरे पौधे जमे हुए मिलेंगे, यहां पर पानी को देखना मुश्किल हो जाएगा। अगर ऐसा होगा तो यहां जितनी भी इस पानी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे, जितने भी कार्बनिक पदार्थ थे, उन सारे चीजों का उपयोग किसके द्वारा कर लिया जा रहा है, यहां पर जितने ऑक्सीजन है उसका उपयोग किसके द्वारा कर लिया जा रहा है, यहां जितने भी पौधे हैं पानी के ऊपर में, तालाब के ऊपर में, उनके द्वारा। और यदि ऐसा हो रहा है तो यहां कोई दूसरा जीव रह पाएगा, जीवित नहीं रह पाएगा। तो इसी स्थिति को क्या कहा जाता है, सुपोषण कहा जाता है, यूट्रोफिकेशन कहा जाता है, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। हमारे डिस्कशन का चौथा प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ता है। यहां पर आपको उन कारणों को पहचान करनी है जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का पृथ्वी में वृद्धि होती है, मतलब पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसमें कार्बन का वृद्धि हो रहा है। पहला कहता है ज्वालामुखी विस्फोट,
जी हाँ बिल्कुल सही है, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो बहुत सारे उत्पाद निकलते हैं, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड भी एक होता है। श्वसन, इसके माध्यम से भी वृद्धि होता है, क्योंकि हम जब सांस लेते हैं तो उसके बाद में ऑक्सीजन को तो हम रख लेते हैं लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देते हैं, तो ये श्वसन के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर तो जा ही रहा है। प्रकाश संश्लेषण, ये गलत है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो जीव जो पेड़ होते हैं, जो हरे पेड़ होते हैं, उनकी पत्तियां क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य की प्रकाश, उसके बाद में पानी, इन सब का उपयोग करके फिर वो उत्पाद बनाती हैं, तो इसलिए इसके माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में कम होता है, वृद्धि के बारे में पूछ रहा था, इसलिए तीसरा नहीं होगा, तीसरा को आप इलिमिनेट कर दीजिए, आपका डी खत्म, ए खत्म। अब मैंने बता दिया है पहला है, यानी कि ऑप्शन सी तो आपने आंसर निकाल दिया, ये बता रहा है कार्बनिक पदार्थ का क्षय, अगर कोई ऐसा चीज है जो कार्बन से बना हुआ है उसको कवक बैक्टीरिया इत्यादि के द्वारा तोड़ा जाएगा तो इसके माध्यम से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, बिल्कुल आएगा, तो इसलिए चौथा भी बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। अब ध्यान रखेंगे, जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है उसके माध्यम से मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कार्बन मोनोऑक्साइड, जलवाष्प, ऐसे कुछ चीजें होती हैं जो बाहर निकलती हैं। श्वसन यानी कि सांस लेना आप जान रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण की गतिविधि आप जान रहे हैं, और जो कार्बनिक क्षय होता है उसके माध्यम से बैक्टीरिया, कवक, ऐसे कुछ पौधे होते हैं जिनके माध्यम से जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको अपघटित किया जाता है, और अपघटन करने के बाद जो उत्पाद निकलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा, पानी या फिर दूसरे पोषक तत्व हो सकते हैं, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। हमारे डिस्कशन का पांचवा और अंतिम प्रश्न क्या कहता है, जैव भू रासायनिक चक्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन गैसीय चक्र है, जो जैव भू रासायनिक चक्र होता है उसमें आपको बताना है कि गैसीय चक्र कौन है। आप जानते हैं भू रासायनिक चक्र दो तरह के होते हैं, एक होता है सेडिमेंटरी और दूसरा होता है गैसियस। जो सेडिमेंटरी यानी कि औषादी होता है उसमें फोस्फोरस और सल्फर होते हैं, फोस्फोरस और सल्फर, और गैसीय में तो जितने भी आप गैस जान रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे होते हैं। आपको पूछ रहा था गैसीय चक्र कौन से हैं, तो कार्बन होगा, जल चक्र होगा, ये दोनों होंगे, फोस्फोरस नहीं होगा क्योंकि ये सेडिमेंटरी होता है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा क्योंकि यहां पर ए और सी दोनों दिया हुआ है, तो आप इसे ध्यान रखें। अगर हम बात करें जैव रासायनिक चक्र का, तो ये एक ऐसी प्राकृतिक चक्र में से एक है जिसके अंतर्गत जो पदार्थ होते हैं वो पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक और अजैविक घटकों में होकर गुजरते हैं, और ये कौन से हो सकते हैं, ये हो सकता है कार्बन, हो सकता है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फोस्फोरस या फिर सल्फर। फोस्फोरस और सल्फर जो होता है वो औषादी होता है, और बाकी जो होते हैं वो गैसियस होते हैं। यहाँ पर ये मैप दिया हुआ है, गैसियस के अंतर्गत ये आते हैं, औषादी के अंतर्गत ये आते हैं, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। ये हमारा आज का डिस्कशन था फ्रेंड्स, हम आपके आज के अपने इस डिस्कशन को यहीं रोकते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए, आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।